Press the bell icon of the eParthshala channel and never miss another update. So now this is the second part of this video, Outcomes of Democracy. Chapter 7 है दोस्तों, लोकतंत्र के परिणाम का दूसरा पार्ट है. इससे पहले वीडियो का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है. इसके अंदर हम देखेंगे पूरी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि लोकतंत्र का एक ऐसा हिस्सा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आपने इससे पहले वीडियो के अंदर देखा था कि लोकतंत्र के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है या नहीं, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री के अंदर रिसेंटली डाटा, क्योंकि हमने 1950 के बाद ही अपने देश के अंदर जो 5-year plan थे वो बनाने स्टार्ट करे हैं, और लगभग हम 2020 तक 5-year plan बना ही रहे. लेकिन एक एग्जांपल इससे सेट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि लोकतंत्र और नॉन, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, दोनों के अंदर अगर अंतर देखा जाए तो सही मायने में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ होती है ना, जहाँ पर शासन व्यवस्थाएं नहीं होती है, वो कंट्रियाँ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में और ज़्यादा आगे हैं लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री के मुकाबले में. तो इस हिसाब से ये देखा जा सकता है कि सही मायने में जो लोकतांत्रिक देश है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है. मतलब इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कई लोकतांत्रिक देश जो है, जितने भी डेमोक्रेट कंट्रियाँ होती हैं, वो डिक्टेटरशिप के हिसाब से बहुत पीछे है. लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर फोकस करेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, लोकतंत्र की सिर्फ इस वजह से, मतलब अगर उसका इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है तो आप सिंपल सी बात है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी से मेजर नहीं कर सकते. तो इस हिसाब से मेरा कहने का शॉर्ट में मतलब बस यही है कि अगर उनका इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है तो आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहते हैं पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का डेमोक्रेटिक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेना नहीं है. क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपने इकोनॉमिक के अंदर पहले ही पढ़ लिया था कि जो आर्थिक विकास होता है केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं होता. इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे ही डिपेंड नहीं होता, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं. जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी देश की जनसंख्या कैसी है. जैसे हमारे भारत देश की जनसंख्या 133 करोड़ है, दूसरी अगर मैं इटली की बात करूँ तो उनकी 6 करोड़ संख्या है. तो सिंपल सी बात है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा ही होगा. और दूसरा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ग्लोबल सिचुएशन कैसी है उस देश की और हमारे देश की कैसी है, है ना, हमारा जो रिलेशन है दूसरे देशों के साथ कैसा है. तो इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ का. इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भले से ही जो हमारी सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट सरकार है, जो डेमोक्रेट गवर्नमेंट है, भले ही उनका इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप की कंट्री के कंपैरिजन में बहुत सही है. इसके हिसाब से ये देखा जा सकता है कि हम इनके पूरी तरीके से जो पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं डेमोक्रेसी के, उसके ऊपर हम फोकस ज़्यादा कर सकते हैं. और इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जो होती है उसके मुकाबले में बहुत सही होती है. तो एक लोकतंत्र में इतना सब कुछ, तो अगेन इनका यही कहना है कि तो कुछ भी नहीं है. क्योंकि दोस्तों डेमोक्रेसी के बारे में आप उनके कितने फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, वो आप एक ही बार में एक 10th class की बुक में नहीं बना सकते और ना ही इतना अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो. लेकिन डेमोक्रेट गवर्नमेंट वही होती है जो जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमाइज्ड होती है ना, अकाउंटेबल होती है. और सिर्फ और सिर्फ अगर उनका इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है और डिक्टेटरशिप का इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छा है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बहुत सारी उपलब्धियाँ, बहुत सारे अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, असमानता और गरीबी में कमी. जैसा कि आपने पहले देख लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था से लेना देना कुछ भी नहीं है. और सिंपल सी बात है, चाहे नॉन डेमोक्रेट कंट्री हो या डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वो सभी लोग चाहते हैं समाज के अंदर उनका जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, वो ख़त्म हो, गरीबी जो है वो ख़त्म हो. क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जो अमीर लोगों की संख्या है वो बहुत ही कम है और जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है.
गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं जितना अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है ना। तो इससे ये पता चल सकता है कि सही मायने में जो पूरी दुनिया है ना, इवन भारत भी उसमें इंक्लूड है, भारत जैसी आबादी के अंदर गरीब और अमीर दोनों ही हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत जो है डाइवर्स कंट्री है, इसमें हर टाइप की जातियाँ, धर्म, भाषा बोलने वाले लोग, जातियों को मानने वाले लोग भारत के अंदर रहते हैं। गरीबों की संख्या यहाँ पे कम है, अमीरों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से उनको हर तरीके की व्यवस्था, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, ऐसी जो बेसिक सुविधाएं होती है ना, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री देने की कोशिश करती है। जबकि वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं ख़त्म कर सकती, अमीरी और गरीबी को। क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था में मैं बोल सकता हूँ कि अमीर वर्ग जो है उनके पास पैसे तो ज़्यादा है, लेकिन सिंपल सी बात है, जो लोकतांत्रिक सरकार है ना, वो आर्थिक असमानता को विफल रही है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इनइक्वालिटी को और गरीबी को ख़त्म नहीं कर सकती नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ। क्योंकि गरीबी को और असमानता को डेमोक्रेटिक कंट्रियाँ पूरी तरीके से, मैं बोल सकता हूँ, ख़त्म नहीं कर सकती है। क्योंकि अमीर और गरीब किसी भी कंट्री के अंदर कोई सरकार नहीं बनाती है, उनके खुद के रोजगार, जो उनका काम काज होता है ना। तो उन सब से मैं बोल सकता हूँ कि हमें इन सब पे फोकस करना होगा। तो जो असमानता है, सरकार बस बेसिक चीज़ें पूरी कर सकती है, लोगों को इक्वालिटीज़ दे सकती है, राइट्स दे सकती है, जस्टिस दे सकती है, वो भी सब सब कुछ डेमोक्रेसी के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर भी मैं सरकार को बोल सकता हूँ कि वो पूरी तरीके से फेल रही है इन इक्वालिटी को, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें। क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।